हेलो फ्रेंड्स, आई वीरेंद्र कुमार एडवोकेट वेलकम यू ऑन माय लीगल बिगल। सो फ्रेंड्स, एज यू नो, वी आर डिस्कसिंग अबाउट भारतीय न्याय संहिता एंड टुडे वी विल डिस्कस अबाउट सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता एंड सेक्शन 88 इंडियन पैनल कोड विच हैज बीन रिपील्ड। नाउ एज वी विल डिस्कस अबाउट नाउ सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता। Let us friend, but this section says, section 26, nothing which is not intended to cause death is an offence by reason of any harm which it may cause or be intended by the doer to cause or be known by the doer to be likely to cause to any person for whose benefit it is done in good faith and who has given a consent, whether express or implied, to suffer that harm or to take the risk of that harm. And this section says that if any act is done for the benefit of the person knowingly that otherwise that act will cause to harm to that person or may cause his death, but even then that act has been done with the intention for the benefit of that person, then that is a no offense and the offender is protected under section 26 of Bhartiya Nyaya Sainta. This section implies in cases of doctors who perform surgery and operations of the patients with their consent, or when they are unable to give consent, their implied consent, or consent may be expressed or implied, then by implied consent, but they perform the operation for the benefit of the patient, and if they died, then the doctor is protected under section 26 of Bhartiya Nyaya Sainta. Let us friend, now we will discuss this section in Hindi. So friends, this सेक्शन, ये सेक्शन बोलता है कि कोई भी कार्य जो दूसरे पर्सन के फायदे के लिए किया गया है, हमें पता है कि इस कार्य करने से उसको कुछ परेशानी होगी, कुछ नुकसान होगी, लेकिन उसको बड़े नुकसान से बचाने के लिए उसको थोड़ा बहुत नुकसान हमने पहुंचाया है, तो ये इस सेक्शन के अंदर हम प्रोटेक्टेड हैं। और क्योंकि हमने जो है उसके बेनिफिट के लिए किया है और गुड फेथ से किया है। गुड फेथ इज नेसेसरी फॉर टेकिंग द बेनिफिट ऑफ दिस सेक्शन एंड हु हैज गिवन कंसेंट, और उसने चाहे अपनी कंसेंट दी है, वो कंसेंट चाहे एक्सप्रेस बोल के है या किसी कार्य को करने के लिए वो एग्री हुआ है, तो उसमें वो हम उसको नुकसान पहुंचा रहे हैं, तो उसमें उसकी कंसेंट जो है वो इम्प्लाइड गिनी जाएगी, क्योंकि वो उस कार्य के लिए तैयार हुआ है, तो एक्सप्रेस कंसेंट नहीं है उसमें, लेकिन वो तैयार जो हुआ है उस कार्य के लिए, तो उसकी इम्प्लाइड कंसेंट उसमें मानी जाएगी। तो इसमें फ्रेंड्स ये एक एग्जांपल दिया हुआ है, डॉक्टर का एग्जांपल है, ये सर्जन है नोइंग दैट पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज डेथ ऑफ जेड, ये जानता है ये सर्जन है कि जेड जो है इसका पेशेंट है और इसने इसका ऑपरेशन करना है, ये जानता है कि इस ऑपरेशन से, लेट अस पूरा सेक्शन पढ़ लेते हैं, नोइंग दैट ए पर्टिकुलर ऑपरेशन इज लाइकली टू कॉज द डेथ ऑफ जेड हु सफर्स अंडर द पेनफुल कंप्लेंट but not intending to cause Jed's death and intending in good faith Jed's benefit, performs that operation on Jed with Jed's consent, he has committed no offense. So friends, this section says, this example says that A Jed का operation करता है उसकी consent से, जबकि A को पता है कि इस operation से Jed की मृत्यु भी हो सकती है, लेकिन अगर operation successful हुआ तो जेड इससे बच सकता है, जो उसको पेन हो रही है जिसकी उसने कंप्लेंट की है, पेन हो रही है उससे उसको रिलैक्स मिल सकता है,
लेकिन क्या होता है कि ऑपरेशन सक्सेस नहीं होता है और जेड की डेथ हो जाती है, तो ये एग्जेम्प्टेड है सेक्शन 26 भारतीय न्याय संहिता के तहत, ये एग्जेम्प्टेड है। तो फ्रेंड्स अब सेक्शन के जो इंग्रेडिएंट्स है वो क्या है, फर्स्ट इंग्रेडिएंट है एक्ट डन फॉर द बेनिफिट, जो एक्ट है वो दूसरे के बेनिफिट के लिए किया गया है, पहली शर्त है इसकी, ये इस डिफेंस की कि जो वट एवर एक्ट यू हैव डन दैट मस्ट बी फॉर द बेनिफिट ऑफ दैट अदर पर्सन। एंड सेकंड क्या है, कॉन्सेंट, उसके लिए उस, जैसे इसमें जेड की कॉन्सेंट थी तो उसके लिए कॉन्सेंट का होना जरूरी है, जो आप एक्ट कर रहे हैं कार्य कर रहे हैं वो बिल्कुल जरूरी है कि इसकी जेड की दूसरे व्यक्ति की कॉन्सेंट से कर रहे हों। कॉन्सेंट जो है वो एक्सप्रेस भी हो सकती है, इम्प्लाइड भी हो सकती है। एक्सप्रेस और इम्प्लाइड को मैंने आपको दोनों सेक्शनों में मीनिंग बता दिया है। एक्सप्रेस जो है वो बोल के हो सकती है, रिटन हो सकती है, लेकिन इम्प्लाइड जो है वो जो जिस कार्य को आप सहमत हुए हैं उसमें इम्प्लाइड हो सकती है कि अगर आप इस कार्य को हुए तो आप ये जानते हैं कि अगर ये डॉक्टर इसका ये ऑपरेशन करता है तो जेड ये जानता है कि मैं मर भी सकता हूँ और बच भी सकता हूँ, तो उसमें ये जरूरी नहीं है कि उसने अपने मरने के लिए ही कॉन्सेंट दी हो, उसने उस कार्य के लिए कॉन्सेंट दी है, तो इसलिए उसको इम्प्लाइड कॉन्सेंट कहा जाएगा। अब जो थर्ड है वो है गुड फेथ, जो एक्ट है वो यू मस्ट डन दैट इन गुड फेथ, मतलब जैसे ए ने जेड का ऑपरेशन किया तो वो किया गुड फेथ में कि ए जो इसको पेन से सफर है इससे इसको राहत मिलेगी, तो ये गुड फेथ का होना भी बड़ा भारी जरूरी है। और चौथा जो है विदाउट इंटेंशन, विदाउट इंटेंशन टू काउज डेथ, और जो एक्ट किया है आपने उसमें आपकी इंटेंशन नहीं होनी चाहिए कि मैंने इसको मारना है, अगर आपने जानबूझ के ये सोच के करा है कि मैंने इसको मारना ही है और उसी तरह से वो सोचकर आपने अगर कोई कार्य किया है उसके बेनिफिट के लिए कि मैंने इसको मारना है, तो बेनिफिट तो हुआ नहीं, वो तो मारना ही हो उसको, तो देन डिफेंस ऑफ दिस सेक्शन इज नॉट अवेलेबल टू यू। तो फ्रेंड्स नाउ आई थिंक दैट यू हैव अंडरस्टूड वेल, आप अच्छी तरह से समझ गए होंगे क्योंकि मैंने आसान भाषा में भी आपको समझा दिया है और इंग्लिश में भी समझा दिया है, तो मुझे लग रहा है कि अब आप समझ गए होंगे। तो फ्रेंड्स जैसा कि मैं हर ब्लॉग में बोलता हूँ, मेरे ब्लॉग को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए ताकि आम लोगों तक भी इसका फ़ायदा पहुँच सके और सब अपने बेसिक लॉ से परिचित हो सकें। तो ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, टिल देन बाय।